चिलर में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व अगर ऑटोमेटिक वर्क नहीं कर पाता है, ओपन या क्लोज नहीं हो पाता है ऑटोमेटिक, तो किस तरीके से उसको मैन्युअली कंट्रोल किया जाता है या उसको रीसेट किया जाता है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक 300 TR का स्क्रू चिलर है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या प्रोसेस रहती है, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको मैन्युअली ओपन और क्लोज करा सकते हैं, इसके पैरामीटर को रीसेट कर सकते हैं मैन्युअली। तो इसका जो प्रोसेसर है इस सिस्टम का, वो माइक्रो कंट्रोल सिस्टम का मैग्नम माइक्रो प्रोसेसर है और यहाँ पर इस तरीके की डिस्प्ले है जहाँ पर से आपको सारे पैरामीटर्स और सेट पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें दो सर्किट है, एक सर्किट जो कि बंद है और दूसरा सर्किट जो है वो रनिंग कंडीशन में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो सर्किट नंबर 1 है उसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है या कमांड नहीं ले पाता है ऑटोमेटिक, तो हम उसको मैन्युअली रीसेट करते हैं। जब कभी भी चिलर ट्रिप होता है या किसी वजह से बंद हो जाता है तो उसको ऑन करने से पहले आपको इसको मैन्युअली रीसेट करना पड़ता है, अगर वो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व रीसेट नहीं हो पाता है या ओपन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको इस चिलर को सर्विस मोड पर डालना पड़ेगा। एक होता है आपका ऑपरेशन लेवल के पैरामीटर्स, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन लेवल के जितने पैरामीटर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। आप इसमें और ज़्यादा कुछ भी एडवांस लेवल का नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको सर्विस मोड पे नहीं डालेंगे। सर्विस मोड पे डालने के लिए आपको इस सिस्टम का पासवर्ड पता होना चाहिए, पासवर्ड डालने के बाद ही आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल देख लीजिए, जैसे कि ये एक्सपेंशन वाल्व है तो एक्सपेंशन वाल्व आपको 0.0% देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें इंटर करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑटो या मैनुअल का, और जैसे ही मैं उसमें इंटर करता हूँ तो यहाँ पर हायर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है, यानी कि आपको इसमें सर्विस मोड पे डालना है और उसी के बाद आप इस सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। अब वो कैसे करना है मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ और वापस से दिखाता हूँ किस तरीके से एक्सपेंशन वाल्व को रीसेट किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का पूरा लेआउट आता है इंटर करने के बाद, इसमें ऑटो और एक मैनुअल आता है। जैसे ही आप नीचे वाला बटन दबाएंगे ये मैनुअल पे हो चुका है, आपको राइट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके पैरामीटर्स बढ़ाते हैं, जैसे कि 100% पे हमने डाला मैनुअल पे डाल रखा है, अब इसके बाद हम जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हायर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आपको जो सिस्टम है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन लेवल पे ही पैरामीटर शो करेगा। आप सर्विस मोड पे डालेंगे इसको, कैसे डालना है तो आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, इस पे इंटर करना है और इस पे इंटर करने के बाद आपको सिस्टम का जो भी पासवर्ड रहेगा, हर किसी का अलग अलग रहता है। यहाँ पर जैसे ही मैंने इंटर किया और यहाँ पर मैंने इस पासवर्ड को डाला तो अब ये सर्विस लेवल पे जा चुका है। अब मैं इसमें जो एक्सपेंशन वाल्व है उसके पैरामीटर्स चेंज कर सकता हूँ। तो आपको मेन मेन्यू में आके सीधे जाना है आउटपुट्स पे, आउटपुट्स पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको रिलेज देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको एनालॉग पे क्लिक करना है। एनालॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे एक्सपेंशन वाल्व के पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ऑटो से मैनुअल डालना है और फिर राइट हैंड साइड पे जो पैरामीटर्स है उसको सीधे आपको 100 पे करना है। आप चाहे तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर हमने 100 पे क्लिक करने के बाद सीधे इंटर दबाया और ये चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो पैरामीटर्स हैं एक्सपेंशन वाल्व के आप चेंज कर सकते हैं। चिलर रनिंग कंडीशन में था तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है वो रिकॉर्ड नहीं करी है, मैं बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ। नहीं तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो जैसे ही आप इसको 100% पे डालेंगे मैन्युअली तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व पे आपको नॉइज़ सुनाई देगी जो कि रेफ्रिजरेंट के फ्लो की होती है। जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व 100% पे खुलता है तो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है वो एक्सपेंशन वाल्व से होता हुआ आगे सर्किट में जाता है, जिसकी नॉइज़ आप आसानी से बाहर सुन सकते हैं। इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर सिस्टम में लॉकआउट या अलार्म है पहले से ही एक्सपेंशन वाल्व से रिलेटेड तो पहले उसको रीचेक करना है और उसको सॉल्व करना है और उसके बाद ही मैन्युअली रीसेट करना है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इस वजह से मैंने आपको दिखाया किस तरीके से इसको आप मैन्युअली रीसेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सपेंशन वाल्व से आपको रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो चैनल पर बना हुआ है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप एक्सपेंशन वाल्व के बारे में पूरा जो प्रोसेस है उसका सिस्टम मैकेनिज्म जितना भी है वो समझ सके। तो इसी तरीके का और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।